नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुमाऊनी रिवाज के अनुसार जनेऊ में क्या क्या दीक्षा दी जाती है गुरु द्वारा वो दिखाने जा रही हूँ। तो इसमें पंडित जी द्वारा जो बटुक को समझाया जा रहा है कि उसे किस तरह से क्या क्या करने का अधिकार है और क्या क्या वो इस जनेऊ के पश्चात करने के योग्य है, ये सब बताया जा रहा है। और ये हमारे अगर वेद की पढ़ाई नहीं कर सकते, गायत्री मंत्र नहीं जप सकते, भवन करने का अधिकार नहीं होता। आज के बाद आज आपका जन्म हो गया, अब आपको यहाँ से भवन करने का अधिकार मिलेगा। आप वेद मंत्र पढ़ सकते हैं। वेद मंत्र पढ़ने के लिए पहले कहाँ जाते थे? गुरु के आश्रम में जाते थे, ठीक है, गुरु के वहाँ का आश्रम, तो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते। आज जन्म होने के बाद जन्म हो गया, फिर आपको काशी पढ़ने जाते हैं। मामा जी है क्या? मामा जी है तो इधर आ जाइए। मामा मामा मानस के मामा, मामा बस खड़े रहना। ये मानस मानस की काशी पढ़ने जाएंगे तो आपको उनको आधे रास्ते से वापस आना है, क्योंकि हम लोग आधे रास्ते पढ़ेंगे आपको, ठीक है? वो आप समझा देना मामा को, या मामा समझा देना मामा को, ठीक है? तो उससे पहले वहाँ होता क्या था, सुने जा रहे हैं, वहाँ होता क्या था, वहाँ कहाँ से आएगा अच्छा पानी, कहाँ से आएगा? हाँ, माता पिता जी मुझे तो नहीं करते पानी बिल्कुल, ठीक है? हाँ, घी भी नहीं था, ठीक है, हैंड बैलेंस भी नहीं होता था, है भी तो फिर भी अलाउड नहीं था, वहाँ स्कूल में घूम भी लेना फीस भी बढ़ती थी, बच्चे लोगों को क्या करना पड़ता, घर नहीं काम नहीं, घर घर जा करके भिक्षा मांग के लानी पड़ती, ठीक है? फिर वो भिक्षा को मांग मांग के अभी लाते या अपने गुरु को आकर के लाते, जैसे कि महाराज गुरु जी है मिला आज के दिन में, इससे आप सारे गुरु की व्यवस्था के लिए भोजन कराइए, जितना और शुरू करिए आपकी भी आपके परिवार के लिए आपकी शक्ति व्यवस्था इससे, ठीक है? तो उसी को प्रतिकार का रूप में हम यहाँ पर करते हैं। आपको अब पहले काशी जाना है तो भिक्षा मांगने का क्या है, सबसे पहले माँ से भिक्षा मांगनी, सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, भिक्षा देनी है सबको, ठीक है? बालक को दी जाएगी भिक्षा, उस भिक्षा को वो ला करके गुरु को देंगे आप, ठीक है? सुनो सुनो, जो भी है इसके बाद यहाँ से जो खाने योग्य अधिकारी है उनको जो है वो फिर से देगा, यहाँ फिर वो बांटेगा ला करके कि मैं इतना लेके आ गया, अब आपको खिलाता हूँ, आपको देता हूँ। ये तो सबसे पहले माता जी के पास, सन्यासी कोई भी हो, सन्यास धर्म जब लेता है, कोई भी संत बनता है, बाबा बनता है, सन्यास धर्म लेता है, तो चाहे कितनी साल की तपस्या करे, अगर 12 साल की तपस्या भी करता है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास आता है उसके बाद, और माँ से भिक्षा लेता है। सन्यासी की पहचान वहाँ पर है कि वो अपनी माँ से भिक्षा लेकर के जाए, क्योंकि माँ की ममता ऐसी होती है कि उसको सन्यास लेने से रोक सकती है। तो ये है कि माँ से अगर उसको भिक्षा मिल गई और उसने उसको सहन कर लिया कि हाँ माँ का 12 साल के बाद आया है और माँ के साथ में आया और माँ ने उसको भिक्षा दे दी और उसके बाद वो चला गया, तो उसकी तपस्या समझ गई। इससे सबसे पहले भिक्षा जो है माता जी से ली, ठीक है? तो माता जी ये पकड़िए, इसमें कुछ थोड़ा बहुत दक्षिणा कुछ रखो उसके साथ में खर्चा पानी, बोले बहुत भिक्षा दे मातु, उसको पकड़ो हाथ में, उसमें आप डाल दीजिए उसके ऊपर ऊपर अंदर, उसमें जगह है, जगह ऊपर से इधर ये साइड से, हाँ ये बोलो बहुत भिक्षा दे मातु, हाँ ठीक है। अब सुनो सुनो दूसरा, अब जब जो संत होता है ना, साधु होता है, वो ज़्यादा रुकता नहीं है कहीं पर, ठीक है? अब आपको इनके सबके पास जाना है, एक सेकंड के लिए रुको उनके आगे, जिसको डालना होगा तो उन्हें डाल देगा, नहीं डालना होगा नहीं डालेगा। बोलो भवत भिक्षाम, बोलते रहो सबको, भिक्षाम देहि, बोलो बोलो जी जोर से बोलो, भिक्षाम देहि, हाँ बोलो भिक्षाम देहि, आराम से आराम से, गिराना नहीं, आराम से, इतना देर रुक जाएगा, गिरे नहीं नीचे, मानस उसको पकड़ के रखो ऊपर, भिक्षाम दे,
बोलो विश्राम दे। कटोरिया निकाल दो, कटोरी मत डालो उसके अंदर, पीछे भी डालना है, पीछे वाले में भी डालना है, पीछे वाले में भी डाल दो। विश्राम दे, कटोरी मत डालो उसके अंदर, पीछे बाजू भी डालो, पीछे बाजू भी एकादूध डाल दो उसके पीछे वाले में। बैठ जाओ, खुद आएगा। विश्राम दे, विश्राम दे, बोलते रहो बोलते रहो, विश्राम दे। पीछे पीछे बाजू में डालना, उसके पीछे वाले में डालो, पीछे वाले दीक्षांत दे बोलो दीक्षांत दे। Shanti. 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 Shanti